दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग मोबाइल फाइनेंस अनलॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें फाइनेंस लॉक था और ये अनलॉक हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये अनलॉक प्रॉपर हो चुका है। इसका दिखाया था मैंने स्क्रीनशॉट कि ये लॉक था। तो दोस्तों ये जो मोबाइल है कैसे अनलॉक हुआ, आप लोग पूछोगे कि भाई आपने कैसे अनलॉक किया, ये मोबाइल तो लॉक था। और बहुत लोग पूछता है कि भाई सैमसंग फाइनेंस जो है लॉक होने के बाद बिना ईएमआई पे किए कैसे अनलॉक करें, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमने ओएलएक्स से मोबाइल खरीदा था या तो मेरा दोस्त ने दिया था, कोई बोलेगा रास्ता में ऐसे ही कोई बेच दिया, मैंने ले लिया, इमरजेंसी बोला, मेडिकल में पड़ा है, मोबाइल बेच दिया, मैंने ले लिया और दो दिन पांच दिन के बाद मोबाइल लॉक हो गया। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका भी मोबाइल फाइनेंस लॉक है, तो आप उसको अनलॉक कैसे करोगे? क्योंकि बहुत लोग पूछता है कि भाई सैमसंग फाइनेंस का कस्टमर केयर नंबर दो, बहुत लोग पूछता है कि सैमसंग फाइनेंस का जो लोन आईडी कैसे निकाले या तो लोन आईडी को कैसे पता करें, बहुत सारा चीजें लोग पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उधर से मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपका सैमसंग फाइनेंस प्लस मोबाइल अनलॉक करना है, तो ये वीडियो को पूरा देखो, तभी जाके आपको भी समझ में आएगा कि कैसे जो है सैमसंग फाइनेंस प्लस लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सैमसंग फाइनेंस प्लस ये जो चीज है ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, इसके लिए मेरे को बहुत ही पांपड़ बेलना पड़ा है। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए। लेकिन इधर मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, सोच लो आपने ओएलएक्स से खरीदा था या तो किसी दोस्त से खरीदा था या तो कोई इमरजेंसी में आपको बेच दिया, आपने खरीद लिया, आपने उससे कुछ भी नहीं लिया है, मतलब उसका आधार कार्ड या तो उसका बिल कुछ भी नहीं लिया है, तो आप फ्रॉड में फंस चुके हो, उसको अनलॉक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप चाहते हो अनलॉक करना, तो सीधा सीधा प्रोसीजर है कि जाओ डायरेक्ट थाने में केस कर दो, ठीक है? अगर उसका नाम पता कुछ भी आपको पता है या तो उसका कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो डायरेक्ट उसके पास जाओ केस करो, ठीक है? अगर आपको उस लीगल में जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप उसको कहीं पे अनलॉक करना चाहते हो तो आप किसी जगह जाके देख सकते हो। देखिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई भी जानकारी चाहिए तो, ठीक है दोस्तों? तो अगर आप अपना मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हो और आपका ही मोबाइल है, आपने खुद खरीदा था, आपने ईएमआई नहीं पे किया, तो आप जहां से लिए थे अपना मोबाइल उसके पास जाओ। उसके पास जाने से आपका लोन आईडी बता देगा या तो आपको डिटेल्स बता देगा कि कैसे जो है आप अपना मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो या तो आप अपना जो ईएमआई है कैसे पे कर सकते हो। जैसे ही आप ईएमआई पे कर दोगे उसमें अगर आपका एक इंटरनेट वाला सिम होगा तो आपका मोबाइल तुरंत ही अनलॉक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप चिंता मत करो, आप आराम से अगर इल्लीगली ऐसा कुछ हुआ है तो आप किसी भी जगह में जाइए या तो थाने में जाके केस कीजिए, अगर कुछ जानकारी चाहिए मुझे कॉल कीजिए, ठीक है दोस्तों? तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।